हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एज ए टेक सॉल्यूशन। तो दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है वो लैंड के ऊपर होने वाला है कि हम लोग जो RJ45 केबल बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। तो बहुत ही सिंपल वे में आपको यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि RJ45 केबल कैसे बनाया जाता है, लैंड केबल कैसे बनाया जाता है, और हमें लैंड केबल बनाने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले हमें, ये आप देख सकते, हमारा क्लिपिंग टूल है, सबसे पहले इसकी जरूरत होगी। उसके बाद आपको RJ45 कनेक्टर की जरूरत होती है। ये RJ45 कनेक्टर है और ये हमारा K6 केबल है। तो दोस्तों, केबल, अब चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और RJ45 केबल या लैंड केबल कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले एक लैंड केबल आपको लेनी होगी। ये आप देख सकते हो कि ये लैंड केबल है। तो ये आप देख लीजिए केबल कैसे कट किया जाता है। केबल जब भी आप कट करेंगे बहुत ही सावधानी से इसे कट किया जाता है। अगर आप केबल को ज़्यादा हार्ड अगर काट देते हैं तो ये आप देख सकते हैं अंदर जो केबल है ये केबल कट जाएगी। इसीलिए केबल काटने का जो स्टाइल है, इसको मैं पहले, ये है ब्लेड, यहाँ पर ब्लेड होता है, तो ब्लेड को बहुत ही हल्के हाथ से यहाँ पर राउंड कर दीजिए, हल्के हाथ से कर दीजिए, जैसा कि अंदर वाला केबल ना कटे, बस ऊपर का जो परत होता है वो कटे। अब इसको ऐसे मोड़ दीजिए आप। ये आप देख सकते हैं कि केबल हमारा कटा नहीं है, केबल कट नहीं होनी चाहिए। अब ये जो बेकार के वायर हैं इसको हम लोग काट देते हैं, ये जो हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती है, इन दोनों की ज़रूरत नहीं होती, इन दोनों को हम काट देंगे। अब दोस्तों, ये देख सकते हो कि यहाँ पे जो चार केबल है, चारों केबल दो दो पेयर में, यानी दो दो चार, दो छः, दो आठ। अब हम क्या करेंगे, ये पेयर को अनपेयर कर देंगे, निकाल देंगे। अब यहाँ पर एक कलर कोड होता है, जिस कलर कोड के माध्यम से हम लोग K6 केबल बनाते हैं। तो कलर कोड क्या है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस कलर कोड के हिसाब से हमें दोनों साइड सेम रखना है। दोनों साइड अगर सेम नहीं रखते हैं तो फिर आपका जो K6 या लैंड केबल जो आपने बनाया है वो काम नहीं करेगा, इस पर इंटरनेट वर्क नहीं करेगा। इसीलिए जो आप स्क्रीन पे कलर कोड देख रहे हैं वही कलर कोड यूज करें। तो सबसे पहले जो कलर कोड आता है, वाइट ऑरेंज ऑरेंज, फिर उसके बाद आपका आता है वाइट ग्रीन, वाइट ग्रीन ब्लू, वाइट ब्लू ग्रीन, और लास्ट में जो कलर कोड आएगा वाइट ब्राउन ब्राउन। तो कलर कोड जो आता है ये मैं आपको फिर से एक बार बता दे रहा हूं, वाइट ऑरेंज ऑरेंज, वाइट ग्रीन ब्लू, वाइट ब्लू ग्रीन, वाइट ब्राउन ब्राउन, ये हमारा कलर कोड है। अब इसको हम लोग स्ट्रेट कर देंगे, सीधा कर देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान देने की बात है, यहाँ पे आपका मेन रोल होता है। अब हम वायर को जैसे ये सीधा करने के बाद में वायर को जब कट करेंगे तो बहुत ही यहाँ पर देखने की ज़रूरत होगी आपको। जब भी हम वायर कट करेंगे तो कहाँ तक वायर कट करना है ये आप देख लीजिए, ये डिस्टेंस देख लीजिए, इतना डिस्टेंस आपको रखना है। तो जब वायर कट कीजिएगा तो सीधा कट करना है, ऐसे टेढ़ा मत कट कीजिएगा जिससे कि वायर अंदर जाने में प्रॉब्लम हो। तो वायर को हमेशा सीधा कट करना होता है। ये अब यहाँ से कट कर दीजिए। तो ये आप देख सकते हैं मेरा ब्लेड काम नहीं कर रहा है, तो मेरे पास दूसरा क्लिपिंग टूल है, इसका ब्लेड सही है, तो इसके ब्लेड से मैं इसको कट कर दे रहा हूँ। ये देखिए टेढ़ा हो गया, लेकिन हमें ऐसे वायर को कट नहीं करना है, इसको सीधा कट करना होता है। ये स्ट्रेट इस तरह केबल को सीधा काट दीजिए। अब केबल को किस तरह लगाना है ये आप देख सकते हो, केबल जब भी लगाना है तो इस साइड से आपको इस तरह लगा देना है। लगाने के बाद में इस वाले केबल को पूरा अंदर कर देना है, जैसे मैं आपको कर रहा हूँ वैसे ही आपको करना है, जिससे कि केबल परफेक्ट बने। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह आपके अंदर जाना चाहिए केबल को। और एक बार कलर कोड देख लीजिएगा, जो कलर कोड है वो ओके है कि नहीं।
तो एक बार क्लिंपिंग करने से पहले एक बार ट्राई कर चेक कर लीजिएगा कि आपका केबल सही घुसा है कि नहीं। या आप इस साइड से देख लीजिएगा, इस साइड से पूरा यहाँ इस साइड होना चाहिए और इस साइड में इधर पूरा होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमारा सारा केबल अंदर चला गया। ये आप देख सकते हैं कि पूरा वाइटनेस यहाँ पे आ गया है। तो अंदर केबल करने के बाद में ये है क्लिंपिंग करने का, इसको इसके अंदर डाल देना होता है और दो तीन बार इसको दबा दीजिए। अब ये हमारा जो है ये क्लिंप हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। अब इस साइड में मैं कर दे रहा हूँ, सेम वही प्रोसेस है जैसे मैंने आपको बताया था कि केबल को काटने से पहले बहुत ही हल्के हाथों से इसको केबल को घुमा दीजिए, सर्कल आ जाएगा ये, इस तरह निकाल दीजिए आप। और जो बेकार वायर है, ये जो बेकार है इसको कट कर दीजिए आप। तो दोस्तों वीडियो में बने रहे और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आईटी रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। सेम यहाँ पे जो आपने कलर कोड रखा है व्हाइट ऑरेंज ऑरेंज, वही सेम आपको कलर कोड रखना है। यहाँ पे जो कलर कोड होगा सेम आपको यही कलर कोड रखना है। अगर आप कलर कोड मिसमैच करते हैं तो आपका जो ये वायर है वो किसी काम का नहीं होगा। तो मैं कलर कोड सेम वही रख रहा हूँ, वाइट ऑरेंज ऑरेंज, वाइट ग्रीन ब्लू। व्हाइट ब्लू ग्रीन और व्हाइट ब्राउन ब्राउन। अब एक बार कलर आप मिला लीजिए, उसके बाद इसको पकड़ के इसको सीधा करने की कोशिश करें। ये आप देख सकते हो कि मेरा जो केबल है वो स्ट्रेट हो गया, सीधा हो गया है। अब मुझे क्या करना है, जहां से मुझे कट करना है वहां पे मार्क कर देना, जैसे कि मैंने इतना डिस्टेंस रखा है तो आपको भी इतना ही डिस्टेंस रखना है। अगर इतना डिस्टेंस रखेंगे तो प्रॉब्लम होगा, ऐसा डिस्टेंस रखिए कि जिस इसके अंदर यहाँ तक केबल पहुँच जाए, यहाँ तक केबल पूरा अंदर तक चले जाए। तो मैं केबल को कट कर दिया। ये देखिए जब भी केबल कट करना होता है पूरा स्ट्रेट कलर ये आप केबल को कट कीजिए, अगर टेढ़ा कीजिएगा तो प्रॉब्लम होगा इसके अंदर जाने में, इसके अंदर चला जाएगा लेकिन आपका केबल जो है वो काम नहीं करेगा। फिर ये देखिए इसको अंदर पूरा कीजिए, अब एक बार केबल को साइड से देख लीजिए, केबल अंदर चला गया ना, ये देखिए इस साइड चला गया। अब आप इस साइड भी देखिए, इस साइड भी हमारा केबल चला गया है। अब इसके हमें क्या करना है, क्लिंप कर देना है। तो इस तरह केवल आप बना सकते हैं। अब इसको क्या करना है, एक बार लैन टेस्टर, ये लैन टेस्टर होता है, ये नेटवर्किंग में बहुत ही काम इसका आता है कि लैन को टेस्ट करने के लिए काम आता है कि हमारा जो लैन है कहीं ब्रेक तो नहीं हुआ है ना। तो ये हम लैन टेस्टर से एक बार लगा के चेक करते हैं जो अभी मैंने केवल बनाया है ये ओके है कि नहीं। अगर जैसे मैं यहाँ पर ऑन करूँगा तो 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4, 5 पे 5, 6 पे 6, 7 पे 7, 8 पे 8 LED जलनी चाहिए। तो मैं ऑन कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं 1st पे 2nd पे 3rd पे 4th पे 5th 6th 7th 8, यानी जो हमारा केबल बना है वो ओके है। अब इस पर हम इंटरनेट चला सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह आप RJ45 केबल या लैन केबल बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल AJ Tech Solution।